हाय गाइस, आज बात करेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के हेयर स्टाइल के सीक्रेट के बारे में। कैसे सेलिब्रिटी के गाइस जो हेयर स्टाइल होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं, और ऑल दो आपने बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ भी देखी होगी कई सेलिब्रिटी की, और आप शॉक भी हुए होंगे कि कैसे इस सेलिब्रिटी की जो फोटोज़ थी जो पुराने टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अगली थी, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था, और अगर आप अभी देखते तो वो काफ़ी ज़्यादा सेट है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ सीक्रेट जो सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो हेयर की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहती है और प्लस बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश रहती है, और इन चीजों को गाइस आप भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है और आप भी इस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हेयर के रिलेटेड तो ये चीजों को फॉलो करके गाइस आप भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो एज अ सेलिब्रिटी गाइस इन स्टार्स को अपनी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि इनके फेस वैल्यू पे ही इनका काम चलता है, और ऑल दो आपने देखा होगा काफी स्टार्स है गाइस इस चीज को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए मेजॉरिटी सेलिब्रिटीज करवाते हैं गाइस अपने हेयर के लिए वो है ट्रीटमेंट। तो ये चीज आपको पहले से पता होगी कि ट्रीटमेंट तो वो करते ही है, और इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स है जैसे कि डाइट करना, ग्रूमिंग करना और प्रोडक्ट अप्लाई करना। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है जो ये सेलिब्रिटी करते हैं जिसकी वजह से इनकी जो हेयर की हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होती है। और इवन तो ट्रीटमेंट से आपको डरना नहीं है, एक तरह से ये फिक्सिंग का काम करता है और काफी ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा सेफ होती है। और कौन सी ऐसी चीज है जैसे कि डाइट मैंने बताया, और कौन से प्रोडक्ट ऐसे अप्लाई करने चाहिए जिसकी वजह से एग्जैक्ट लुक आपको भी मिल सकता है, तो वीडियो में बात करेंगे सारे ही ट्रीटमेंट के बारे में और डाइट के बारे में और प्लस प्रोडक्ट के बारे में। तो आपको इसमें से कौन से ट्रीटमेंट ट्राई करने चाहिए आपके हेयर पे डिपेंड करता है कि करंटली आपकी जो हेयर की हेल्थ है वो कैसी है, तो आप चूज कर सकते हैं। और डिटेल में मैं बताऊंगा गाइस इन ट्रीटमेंट की क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। बात करूं फर्स्ट चीज की गाइस, तो इसमें से जो काफी सेलिब्रिटी ने करा रखा है वो है गाइस हेयर स्ट्रेटनिंग। तो गाइस अगर आपने देखा होगा काफी सेलिब्रिटीज है जो जिनके पास में वेवी हेयर रह चुके हैं, कर्ली हेयर रह चुके हैं, तो इस चीज को स्ट्रेट करने के लिए गाइस हेयर स्ट्रेटनिंग बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और इसमें काफी स्टार्स ने लोगों ने कराया है, और इवन तो आप में से भी कई लोगों ने कराया होगा लेकिन ज्यादा सेशन नहीं कर पाए, वापस आपके जो हेयर है वो वेवी हो गए। उसका रीजन ये है कि हेयर स्ट्रेटनिंग गाइस आपको एक बार करने से नहीं होगा, आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि गाइस काफी लोगों के जो हेयर होते हैं गाइस वो वापस से वैसे ही हो जाते हैं जैसे कर्ली हो जाते हैं, वेवी हो जाते हैं। तो ईयर में गाइस अगर आप 3 से 4 बार हेयर स्ट्रेटनिंग कराते तो वो मेंटेन रहेगा, तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार हेयर स्ट्रेटनिंग करानी पड़ेगी एक साल में, जिसकी वजह से आपकी जो वेवी हेयर है वो मेंटेन रहेगी स्ट्रेट हेयर में। और प्लस बात करूं कॉस्ट की गाइस, तो फ्रॉम लोकल टू प्रोफेशनल गाइस आपको ये पड़ता है 1500 रुपीज टू 5000 रुपीज, जो आपको हर जगह गाइस इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। और अब बात करेंगे सेकंड चीज के बारे में जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है गाइस इन टर्म्स ऑफ हेयर स्टाइल और हेयर मेंटेन में, वो है गाइस केराटिन ट्रीटमेंट। तो गाइस ये चीज कई सेलिब्रिटी ने करा रखी है और इसके काफी ज्यादा बेनिफिट भी है प्लस डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या बेनिफिट है। तो अगर आपके हेयर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि गाइस ये ट्रीटमेंट आपके हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और बहुत ही ज्यादा रूट तक आपको बेनिफिट मिलते हैं। प्लस जो सेलिब्रिटी की शाइन होती है गाइस वो एग्जैक्ट शाइन वैसे भी आपको मिल सकती है जो हेयर में उनके होती है, तो केराटिन ट्रीटमेंट ये चीज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और प्लस इसके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि केराटिन ट्रीटमेंट से गाइस जो आपके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, तो स्मूथ की वजह से गाइस आपको एक हाई वॉल्यूम नहीं मिल पाता, जैसे कि जो हेयर स्टाइल होती है मॉडर्न गिफ्ट तो उस तरह का हाई वॉल्यूम आपको नहीं मिल पाता है, तो ये आपको थोड़े टाइम तक ही रहता है, लगभग 2 से 3 महीने आपको हाई वॉल्यूम उतना नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस जो आपके हेयर है वो डैमेज हो गए या फ्रीजी है तो आपको केराटिन ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। बात करें इसके कॉस्ट की गाइस, फ्रॉम लोकल टू प्रोफेशनल आपको 2500 रुपीज टू 5000 रुपीज में इजिली अवेलेबल है, और थोड़ा आप हायर जाते हैं तो 8000 टू 10000 भी इसकी कॉस्ट आती है, डिपेंड आप कौन से सैलून में करा रहे हैं। और अब बात करते हैं थर्ड ट्रीटमेंट के बारे में जो कि है सिस्टीन ट्रीटमेंट। तो गाइस इसका नाम आपने ज्यादा नहीं सुना होगा बट काफी सेलिब्रिटी इसे कराते हैं, और इसके बेनिफिट ये है कि ये आपके डायरेक्ट हेयर में आपको प्रोटीन सिंथेसिस प्रोवाइड करता है, जैसे हम प्रोटीन अपने बॉडी के लिए यूज करते हैं वैसे ही आपके हेयर में भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आउटर साइड से ये एक तरह का प्रोटीन प्रोवाइड करता है। लेकिन काफी लोग केराटिन ट्रीटमेंट कराते थे इसलिए ये चीज नहीं कराते, बट जिनको पता है इसके बेनिफिट वो डेफिनेटली कराते हैं, और काफी सेलिब्रिटीज भी इसको 3 to 6 मंथ में एक बार जरूर कराते हैं जो आपके हेयर को बहुत ही ज्यादा बूस्टअप देता है। तो अगर आप केराटिन नहीं कराना चाहते, केराटिन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ऑल दो प्राइस में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है क्योंकि ये आपको 2000 to 6000 में ही पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है बट ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और अब बात करते हैं फोर्थ ट्रीटमेंट के बारे में जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो है गाइस हेयर ट्रांसप्लांट। तो गाइस चाहे वो बॉलीवुड हो या चाहे टॉलीवुड हो, काफी सेलिब्रिटीज ने ये चीज करा रखे हैं, चाहे बात हो अल्लू अर्जुन की, चाहे बात हो सलमान खान की, ये सब ने कर रखा है। और ऑल दो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है, और अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं आपका एक अच्छा लुक मेंटेन करना तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं, इसके बेनिफिट उठा सकते हैं, जो आपको एक अच्छा हेल्प करता है एक अच्छा लुक मेंटेन करने के लिए, और काफी ज्यादा बेनिफिट है। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, डिपेंड आप कहाँ करा रहे हैं, बट मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो इसकी जो कॉस्ट आती है वो बिटवीन 70,000 से लेके 2 to 3 lakhs तक आती है, बट ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए जिनकी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गई है और हेयर अब नहीं आ रहे, रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, तो इन केस में गाइस हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है जो आपके हेयर गेम को बहुत ही इंप्रूव कर देगा। तो आप चाहते तो गाइस ये भी करा सकते हैं, वन ऑफ द लास्ट ऑप्शन है जब आपके बहुत ही ज्यादा हेयर डैमेज हो, तो उस केस में
में आपको ये जाना चाहिए। और अब बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है एक अच्छा सा डाइट प्लस हेयर स्टाइलिश। तो इसका क्या मतलब है, तो गाइस मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था विजय देवरकुंडे का, तो जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने हेयर को मेंटेन करने के लिए वो कितना ज्यादा डाइट फॉलो करते हैं। डाइट से मेरा मतलब है कि ऐसे कुछ फूड्स आपको ऐड करें जो आपके हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो वो कौन से फूड होते हैं, तो गाइस ज्यादा हेयर के लिए जो एसेंशियल चीज होती है वो होती है गाइस बायोटिन, जैसे कि विटामिन B12 भी बोलते हैं इसे। तो बायोटिन रिच फूड जो होते हैं गाइस वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती है आपके हेयर के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बायोटिन रिच फूड आपको ट्राई करने हैं। बायोटिन रिच फूड अगर आप गूगल करते हो तो आपको काफी ज्यादा लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन बात करो पॉपुलर बायोटिन रिच फूड की, तो एग्स में गाइस काफी ज्यादा हाई बायोटिन होता है, प्लस जो बीन्स होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा बायोटिन होता है। तो इस तरह के फूड्स गाइस आप डाइट में ऐड कर सकते हैं जो आपके हेयर हेल्थ को बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। और बात करो स्टाइलिश की, तो गाइस जैसे कि आपने लुक देखा होगा वो ऑल सेट होते हैं, सेलिब्रिटी की जो हेयर स्टाइल होती है वो ऑल पॉइंट होते हैं। लेकिन इसका ये रीजन है कि उनके हेयर स्टाइलिश होते हैं, लेकिन ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हेयर स्टाइलिस्ट रखना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उनका प्रोफेशन है इसलिए वो रख सकते हैं, बट हम नहीं रख सकते। लेकिन इसमें हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे और एक अच्छे से ड्रायर आप टेक्निक जानते हैं, तो आप खुद भी घर पे 10 मिनट से लेके 5 मिनट में एक अच्छा सा हेयर सेट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, तो जिसमें आपको एकदम एग्जैक्ट लुक मिल जाता है। प्लस अगर आप हेयर स्प्रे यूज करते हो तो आपको पूरा दिन होल्ड मिलता है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, आपको कोई हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा हेयर स्टाइल कट करना है, प्लस उसको प्रोडक्ट से अप्लाई करके अच्छे से मेंटेन करना। तो ये कुछ चीजें जो इन सेलिब्रिटी के हेयर स्टाइल को इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल बनाते हैं, इतना ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना, थोड़े से नेचुरल वे ट्राई करना चाहते हैं, तो आप मेरी रिसेंट वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ नेचुरल हैक्स बताए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और वीडियो अच्छा लगा गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो और देखने के लिए। और मैं मिलता हूं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।